ગોધરાકાંડ પછીના નવ રમખાણો પૈકીના ગુલબારકંડનો ચુકાદો 2 જૂને જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં 24 કસૂરવારોની સજાનો ચુકાદા પર હવે આવતીકાલે સુનાવણી હાથ ધરાશે. આરોપીઓ તરફથી અભય ભારદ્વાજે દલીલો કરી હતી અને સુપ્રીમ કોર્ટના ચુકાદાને ટાંક્યો હતો. જો કે આજે સુનાવણી પૂર્ણ થઈ શકી નહોતી, આથી હવે આ કેસમાં આવતીકાલે વધુ સુનાવણી થશે. જો કે આરોપીઓને કોર્ટમાં લાવવામાં નહીં આવે, શક્ય હશે તો વિડીયો કોન્ફરન્સથી રજૂ કરવામાં આવશે. 24 દોષિતોની સજા મુદ્દે 6 જૂને કોર્ટમાં બંને પક્ષે દલીલો થઈ હતી. 24 આરોપીઓને દોષિત ઠેરાવ્યા બાદ તેમને કેટલી સજા કરવી તે મામલે શરૂ થયેલી સુનાવણીમાં રાજ્ય સરકાર અને પીડિતો તરફે એવી સખત માંગ કરવામાં આવી હતી કે જઘન્ય હત્યાકાંડને રેરેસ્ટ ઓફ રેર કેસની શ્રેણીમાં ગણી આરોપીઓને ફાંસી કે જીવે ત્યાં સુધી કેદની સજા આપવી જોઈએ. ત્યારે બીજી તરફ આરોપીઓ તરફે એવી રજૂઆત કરવામાં આવી હતી કે કોર્ટે જ્યારે આ કેસમાં કલમ 120B કાવતરું અને કલમ 34 સમાન હેતુની થિયરી માની નથી, ત્યારે આરોપીઓ સામે જે કલમો લાગી છે તેને આધારે જ તેમની સામે રહેમ નજર રાખીને સજા કરવી જોઈએ. અદાલત મે હમ લોગ પેશ હુએ, આજ તીસરા દિન હૈ, થર્ડ ટાઈમ અદાલત બહેસ સુન રહી હૈ કે જો एक्यूज को मुजरिम करार दिया गया है 302 के तहत खून के तहत, तो उनको क्या सजा देनी चाहिए, फांसी होना चाहिए या जन्म टिप होना चाहिए. हमारी ओर से बहुत सारे ढेर सारे ऐसे जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के हमने पेश किए हैं कि जिसमें 21-21 आदमी मार दिए गए हैं, किसी में 100 आदमी मार दिए गए हैं, किसी में और उससे कम में 70-60 आदमी मार दिए गए हैं. उन केसों में यहाँ तक कि वेस्ट बंगाल का एक जो केस है उसमें अमेरिकन एम्बेसी के ऊपर टेररिस्ट ने अटैक कर दिया था, उन टेररिस्टों ने कई जवानों को, पुलिस जवानों को मार दिया था जो वहाँ संरक्षण में थे, और कितने पुलिस वाले घायल हुए थे. फिर उस केस के अंदर भी जहाँ फांसी दी गई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो टेररिस्ट है फिर भी वो लंबे साल जेल में रहेगा तो ये सुधर सकता है. और पूरे विश्व में सजा के प्रावधान में फांसी की सजा नहीं होना चाहिए, कम से कम केसों में होना चाहिए. इस व्यू को सुप्रीम कोर्ट ने उजागर किया है, वो केस हम लोगों ने रजू किया. और यह केस तो ऐसा है कि गुलबर्ग सोसाइटी में से अगर अंदर से फायरिंग बाहर की ओर नहीं होता, एहसान जाफरी साहब ने अपनी बंदूक से फायरिंग नहीं किया होता तो ये हादसा शायद नहीं बनता. तो ये हादसा होने की ये एक बड़ी वजह है. इसलिए भी जहाँ पे कोई कारण है घटना का और जहाँ पूर्व आयोजित नहीं है, जहाँ ना पुलिस का कोई दोष है ना सरकार का कोई दोष है, और ये हादसा अचानक हो गया है क्योंकि अगले दिन जो घटना हुई थी गोधरा कांड की, तो लोगों में एक जात का वो जुनून भी रहता है और एक तरह का दुख भी होता है. और ऐसे में अगर घटना घट जाती है तो यह जो आदमी है वो कोई क्रिमिनल नहीं है. उन्होंने पहले कोई गुनाह नहीं किया है, न छूटने जामीन पे छूटने के बाद भी उन्होंने इतने सालों में कभी कोई गुनाह नहीं किया. गवाह को डराया धमका नहीं, उनकी भी कंप्लेन नहीं है. ऐसे संदर्भ में जब वो समाज के अंदर एक अच्छी तरह से रह रहा है तो फांसी की सजा का कोई औचित्य नहीं बनता है. बारी बारी सजा की जो बात है उसमें सुप्रीम कोर्ट में हमारे वाजपेयी जी ने बहुत अच्छा जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का पेश किया है कि ये बारी बारी सजा भुगतने की, मतलब अगर एक केस में 5 साल सजा हुई है, दूसरे केस में 3 साल, दूसरे गुना में, तीसरे गुना में उसी केस में 1 साल हुई है तो टोटल मिला के हुआ 8 साल, तो उसको 8 साल भुगतना है ऐसा नहीं. अगर जो सबसे ज़्यादा सजा जो हुई है 5 साल, 7 साल, 10 साल, तो उसके बाद में और गुना की जो सजा है वो उसी में गिनी जाएगी. इसलिए उसको जो महत्तम सजा है वही भुगतना है. और यह जजमेंट पेश करने के बाद में अदालत ने सरकारी वकील को कहा कि अगर आपको कुछ इस बारे में कहना है तो बताइए, और हमारा मानना है कि वो अब इसके आगे कुछ बोल नहीं सकेंगे, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है. आजीवन पर्यंत की जो बात है उसमें बहुत सिंपल है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट, मतलब वो आजीवन तक का ही प्रावधान लिखा हुआ है. मगर सरकार जब 14 साल में हर मुजरिम को जो कि 302 या और ऐसे कई केस में पकड़े जाते हैं सजा होती है तो उन्हें छोड़ देते हैं 14 साल के बाद, तो ये भी छूट सकते हैं और भी पहले छूटे हुए हैं सभी को 14 साल के बाद. वो सरकार का अधिकार है. अदालत को इस बारे में सिर्फ यही लिखना होता है कि अगर 302 में वो मुजरिम पाया गया
तो उसमें जन्म टिप की सजा, उससे ज्यादा नहीं। धन्यवाद। हत्याना गुनामां दोषी ठरेलो आरोपी कैलाश ढोबी थोड़ा समय पहला जामीन पर मुक्त थई भागी गयो हतो, त्यारे तेनी हाजरीमां तेने बचावनी तक आप्या सिवाय तेने सजा फटकारी शकाय नहीं तेवी सरकारनी रजूआत बाद कोर्टे आरोपी सामेनी सजानो चुकादो तेनी धरपकड़ करी तेने कोर्ट समक्ष रजू न कराय त्यां सुधी मुलतवी राख्यो छे। सजानी साथे केटलाक खुलासा थई जशे। के हम कल जो कहने वाले हैं उसमें एक प्रोवोकेशन वाली बात है। तो गुलबर्ग हत्याकांड जो बना है वो गुलबर्ग हत्याकांड ऑन द स्पॉट 2 बजे बन गया ऐसा नहीं है। एक बात ये चलाई गई गलत कि प्रोवोकेशन हुआ, जाफरी साहब ने फायरिंग किया सर्वोच्चा में, इसलिए टोला आ गया। ये बात हम ये कोर्ट को ये कहना चाहेंगे कि सुबह 9 बजे से जो घटनाक्रम हुआ है, 9 बजे क्या हुआ, 10 बजे क्या, जैसे 9 बजे वो किसी को गुप्ती मार दी, 10 बजे पुलिस कमिश्नर आया, फिर उसके बाद जॉइंट कमिश्नर आए, उसके बाद टोला आया, टोला घुसा, ये सब वन बाय वन इंसिडेंट बने हैं। तो ऐसे वन बाय वन इंसिडेंट वाली रजूआत भी कोर्ट में लिखित में करेंगे और बताएंगे कि ये पोजीशन के अंदर कभी ये सडन प्रोवोकेशन का केस नहीं है। कोर्ट सजानो चुकादो जाहिर करशे तो अनेक महत्वना सवालोना जवाब जोवा मळशे। एहसान जाफरीए पहला फायरिंग कर्यू हतुं, पछी टोळुं उश्केरायुं हतुं, तेवी बचाव पक्षनी दलीलने कोर्टे कई रीते मूल्यांकन कर्युं छे? जाके रजूआत करी हती के तेमना पति जाफरीए तत्कालीन सीएम मोदीने फोन कर्यो हतो तो ते बाबतनो कोई उल्लेख चुकादामां आवशे के केम? गुलबर्ग कांड पूर्वयोजित कावतरुं हतुं तेवुं कोर्टे ठेरव्युं छे, त्यारे बनावनुं कारण शुं हतुं ते पण चुकादामां जोवा मळशे। आज जो आर्गुमेंट हुए उनके जो कल से पहले वाले से बाकी था वो उन्होंने डिफेंस लॉयर ने उनके आर्गुमेंट तीन आर्गुमेंट पूरे हो गए। अब हमें कल उसका जवाब देना है, मैं और कोडेकर साहब जवाब देंगे। पहली बात तो हमारी जो कल का मुद्दा ये रहेगा कि उन्होंने एक बात बहुत चगा के रखी है कि तो सडन प्रोवोकेशन हुआ, जाफरी साहब ने फायरिंग करा और इससे ये टोला आ गया। तो सडन प्रोवोकेशन की व्याख्या में ये बनता नहीं है और सुबह 9 बजे से ये कुछ न कुछ वहाँ बार होता रहता था, एक न एक इंसिडेंट होते रहे, ये सब पूरा होता रहा था। ऐसे सडन प्रोवोकेशन वाली बात कब आती है कि जैसे कोई आदमी सामने आया और कोई उसने कह दिया, उसने सामने से कर दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो एक सोची समझी की साजिश थी और सुबह से इन्होंने वहाँ आके इकट्ठा हुआ था, तो वहाँ कोई सोशल गैदरिंग नहीं था, किसी को मिलने जाने की बात नहीं थी। सराउंडिंग एटमोसफियर भी ऐसा था कि अगले दिन गोजरा का बनाव बना था, उस दिन बंद का ऐलान था और वहाँ 10,000 आदमी इकट्ठे हुए थे, तो वो क्या वहाँ प्रोवोकेशन वाली बात है? प्रोवोकेशन वाली बात बिल्कुल नहीं, हमारा कहना ही है। टीम के मुआवजे के लिए भी हमने ये कहा है कि जो कॉम्पनसेशन जगदलपुरा वगैरह दूसरी कोर्टों ने भी दिया है और 357 के अंदर ये प्रोविज़न भी है कि विक्टिम को कॉम्पनसेशन सरकार को जज को दिलाना चाहिए और जो भी फाइन करे वो फाइन में से जो पैसा आता है वो पैसा जो कंपनसेशन के हिसाब से विक्टिम को देना चाहिए। मुश्किल है, मेरा कहना कल का मुश्किल है, कल हमारी बात सुनी जाएगी। उसके बाद में इतना सारा जो मटेरियल दिया है वो मटेरियल को अप्रिशिएट करके शायद कल ही कल जजमेंट आ जाए, ऐसा मैं नहीं मानता। संजीव राजपूत नो रिपोर्ट, S9 न्यूज़, अहमदाबाद।